दोस्तों, हम सभी के काफी इंतजार के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा स्नातक द्वितीय खंड बीए बीएससी बीकॉम यानी कॉमर्स साइंस और आर्ट्स तीनों का मार्कशीट जारी कर दिया। अब आपको कैसे चेक करना है, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स वाले हैं तो भी। पुनः रिजल्ट हुआ जारी तो इसके बारे में क्या बताएंगे, साथ ही रिजल्ट सुधार कैसे आपको करवाना है। यदि आप परीक्षा में भाग लिए थे और आपका एब्सेंट लिखाया हुआ है तो भी आप सुधार करवा सकते हैं बिल्कुल एक क्लिक में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चलना है गूगल फिर या फिर क्रोम ब्राउजर पर, वहां पर मैं जितना प्रोसेस बताऊंगा उतना आपको फॉलो करना है। केवल यहाँ पे आना है और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है माधव। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माधव एनसीईआरटी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह के आ जाएंगे जिसको आपको पूरी तरह से लिखना है। यदि नहीं आता है तो आपको इस बात को पूरी तरह से लिख लेना है। यहाँ पर लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। बहुत ही सिंपल मेथड में बताने वाला हूँ जहां से आपका रिजल्ट सुधार होकर बस एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा, बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आपको नीचे चलना है। नीचे आने के बाद आपको आना है लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट में आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, डिक्लेयर हो चुका है। यहां से आप करेक्शन भी करवा सकते हैं अपने रिजल्ट में। न्यू लिंक भी यहां पर एक्टिव है जहां से तुरंत में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद आप सारी प्रक्रिया को पहले समझें, इसको समझ के उसके बाद आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया आपको नीचे में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को आपको पूरी तरह समझाया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जाना है जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। सारा चीज यहाँ पे बताया जा चुका है। चलिए हम इसमें बताए गए सारे प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। तीन पोर्टल खुलेगा जिसमें से नीचे वाले पोर्टल को हमको देखना है। जैसे रिजल्ट वाले नीचे में होगा उस पर हमको क्लिक करना है, स्पष्ट लिखा जा चुका है। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। आप करेक्शन कैसे करवा सकते हैं इसके लिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे पूरी प्रक्रिया बताया गया, इस प्रक्रिया को आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। कल से यानी 2 बजे के बाद, यानी आज 2 बजे के बाद आप अपना रिजल्ट सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, प्रक्रिया को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यानी आपको पूरा यहाँ पे लिखा जा चुका है, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा परेशानी उठ रहा, अब आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको रोल नंबर भर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको रोल नंबर भर देना है, बीए हो या फिर बीएससी या फिर बीकॉम। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मार्कशीट सहित आ जाएगा डाउनलोड होकर, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। डाउनलोड करके पूरी प्रक्रिया हमने समझा दिया। अब चलिए हम लाइव प्रूफ के साथ आपको लिंक पर चलता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं रिजल्ट। वैसे मैं चलिए डायरेक्ट चलता हूँ ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल साइट है, इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बहुत ही सिंपली इजी वे में आपका सामने लिंक यहाँ पे खुलकर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको हम जैसे कि वहां प्रक्रिया बताया गया था उसके आधार पर यहाँ पे नीचे में मिल गया बीए बीएससी बीकॉम। यहाँ पे देखिए कॉमर्स वाले छात्रों का भी रिजल्ट जारी है, लेकिन चेक क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ आप सभी को। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया हो जाएगा, इसके बाद आप अपना रिजल्ट आसानी से देखेंगे। देखिए अभी हो गया है, यहाँ पे खुल गया। आपको नीचे आना है, नीचे आपको तीन पोर्टल मिलेगा। देखिए यहाँ पे चौथा तीसरा पोर्टल है जहां पे लिखा हुआ है रिजल्ट पोर्टल। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के खोलेंगे, रोल नंबर मांगा जाएगा, जहां पे आपको सिंपली रोल नंबर भर देना है और क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लाइव प्रूफ में एक बच्चे का चेक करके देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे रोल नंबर भर दिया है जो कि एक एक्स विद्यार्थी का, ठीक है। अब इसका जो देखते हैं हम चेक करके, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या आता है, प्लीज इंटर करेक्ट रोल नंबर। यहाँ पे एक्स वाले स्टूडेंट है इसलिए ये इनकरेक्ट बता रहा है, ये एक्स वाले का अभी नहीं हुआ है रिजल्ट जारी। अगले जारी हो जाता है उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। वैसे रेगुलर जो है बच्चे वो यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। यहाँ से मैं सारे प्रोसेस आपको बताता रहूंगा एक्स का भी रिजल्ट आता है तो आशा करते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।